बैक इन अवर प्रोग्राम एंड डॉक्टर साहब साढ़े को एक ईमेल आई है जो शिकायत पर ईमेल है जरूर जरूर जी शिकायतों वाले तो ज्यादा वेलकम ने जी जी मुंबई महाराष्ट्र तो वीर सुखविंदर सिंह जी दी इन्हां दी शिकायत है कि असी उन्हां दी पिछली ईमेल का जवाब नहीं दिता जिस विच उन्हां ने किसी व्यक्ति बारे पूछा सी। देखो असी ये बार बार बेनती करते हैं और साढ़े वीर सुखविंदर सिंह शुभ चिंतक ने लगातार सानू लिखते हैं जी कि साढ़ा वक्त भी और ध्यान भी बहुत कीमती है जी ते असी नहीं चाहते भी खाम खा दियां उन्हां डिबेट्स दे विच उलझ जाइए जिन्हां जिहड़े फिर अल्टीमेटली साढ़े दूसरे फोकस नूं जिहड़ा कौमी कॉज दा है उन्हूं प्रभावित करे। जी ऑलरेडी साढ़े बड़े प्रेमी ने सारे पासे जी जी हुण आ पिछले दिनां च डेरियां बाबिया इन्हां सारियां दी गल हुई ते मैं अज देख रहा सी पंजाब स्पैक्ट्रम बड़े मेहरबाना ने भरे हुए ने खाने लिख लिख के। जी जी सो जिहड़ा जो उन्हां ने पुछिया सी उस बारे उन्हां नूं भी पता है। सो जिहड़ी चीज़ सानू ऑलरेडी किसी दे सबूत सामने आ जांदे ने असी क्यों उस सारी उलझन दे विच दोबारा पईए जी ते इन्हां दा शायद कुछ अगे इन्हां ने हाँ जो जी इन्हां ने कानून जानकारी पूछा दिती है कि 24 जुलाई 2013 नूं सिख यूथ फैडरेशन भिंडरांवाला जथेबंदी वालों शहीद भाई अवतार सिंह वर्मा का शहीदी दिन बड़ी चढ़दी कला विच मनाया गया। इस बारे डॉक्टर साहब आप भी चढ़दी कला वाले विचार दसो। देखो असी शहीद भाई अवतार सिंह जी ब्रह्मा जिहड़े खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आगू सन जी उन्हां दे शहीदी दिन दे उत्ते पूरी टिप्पणी कीती सी उन्हां नूं समर्पण कीता सीगा इतिहास सैक्शन च डिस्कस करदे जी पर जिवें बहुत चंगी गल है मैं कई बार ये सोचदा सी पिछले सालां च वी कि होर साढ़े बहुत सारे जरनैलां दे उत्ते फोकस हुंदा है पर जी जिवें लाजवाब शहीद अवतार सिंह ब्रह्मा बिल्कुल बेखौफ सगों मैनू याद है भी 1994 दे पीरियड च ही एक स्कॉलर जी यूनिवर्सिटी ऑफ मेन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी डॉक्टर सिंथिया जी वो सिख संघर्ष के उत्ते रिसर्च कर रही सी तो उन्होंने मैं असिस्ट करने का मौका मिले 2-3 साल जी और उस चो ही उन्होंने किताब आई फाइटिंग फॉर फेथ एंड नेशन जी डायलॉग्स विद सिख मिलीटेंट्स अज भी बड़ी जी है प्रमाणिक किताब मनी जाती है। जी तो जो मैं उन्होंने डिफरेंट उस पीरियड के संघर्ष वाले योद्धा प्रति ब्रीफ कर रहा सी तो मैं अवतार सिंह ब्रह्मा प्रति उन्होंने कहा मैं क्या जी वो इन्ने एक निडर सी कि वो कदे लम्मे पै के फायरिंग नहीं सी करते वो जी जड़े ने खड़े 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 अपनी मशीन गन का इस्तेमाल करते। जी सो उन्हें नोट भी लै लिया कि फिर काफ़ी महीने 2 महीने बाद कैनेडा असी किसी घर च गए उत्थे भी किसी नाल इंटरव्यू सी ते उन्हां दे घर दी कंध दे उत्ते अवतार सिंह ब्रह्मा दी तस्वीर लगी हुई सी जी तो उन्होंने ऑलरेडी तस्वीर देखी हुई सी। सो मैनू वो कहंदे कि ही इज़ द सेम गाय हू ऑलवेज फायर्ड वाइल स्टैंडिंग। सो ये एक जिहड़ा और उन्हां दी जिहड़ी ओवरऑल लुक भी है जिवें एक असी सचमुच गुरमुख संत सिपाही का रूप देखते हैं जी वो सानू भाई अवतार सिंह ब्रह्मा चो मिलता है। जी उन्होंने उस इलाके दे विच CRPF जिन्हें बहुत जुल्म कीते सी ब्रह्मपुरा पिंड दे विच ही बीबिया नूं और सारे पिंड वालियां नूं जी इकट्ठे करके उन्होंने नाल बहुत बदसलूकी कीती सी। जी सो जिवें उत्थों दा ये आम है कि वह पिंड पहुँच गए गुरुद्वारा साहब दे उन्होंने माइक्रोफोन तो CRPF दियाँ चौंकियाँ सी आले दुआले जी उन्होंने कहा भी मैं 2 घंटे इत्थे हैं जी आ जी जाओ जिन्हें आना है मुकाबला करना है। योध्यां वाले काम तो यही होंदे ने ना तुसीं झूठे पुलिस मुकाबले बनाओ आ जिवें हुण सामने आ रहे ने चुक के लै जाओ अणपछातियां लाशां बना दिओ जी जी साढ़े योध्यां ने ठीक है अज सरकार ने इन्ना क ना पक्खी प्रोपेगेंडा कीता है कि असी अपने हीरोज़ नूं भी जिहड़ा उह इग्नोर करदे हैं जां काला दौर ते फलाणा ते इदां दे शब्द वरतदे हैं। जी सो 2 घंटे हो रहे किसी की जरूरत नहीं सी पैंदी और CRPF अवतार सिंह ब्रह्मा होरां बारे ये कहा जांदा है कि वह इको एक ऐसे ने जिन्होंने सारे उस इलाके दे विच उस तरन तारण की पट्टी CRPF तो भी टैक्स लिया हुआ और वह भी उन्होंने स्नेह भेजते सी अरे भाई ब्रह्मा को बोलो हमें क्यों मारता है जो मांगो हम देंगे जी क्योंकि ये जड़ा जो CRPF का बिहेवियर से जिस तरीके का उन्होंने लोगों ने उन्होंने कदे माफ नहीं किया उन्होंने। जी सो उन्होंने जी उन्होंने शहीदी है वो थोड़ी मिस्टरी ची है क्योंकि बहुत वेरवा सामने नहीं आया उन्होंने मृतक शरीर ज कोई भी क्यों पर ऐसा है कि भी राजस्थान तो बॉर्डर क्रॉस करद जड़ा है वो कितने जितने रुके से कोई मुखबरी के उत्ते उन्होंने जी है शहादत हुई है। जी सो असी अपने इस महान नायक नू महान जरनैल नू फीयरलैस घोड़सवार
जी बहुत वार उस इलाके चो घोड़सवारी करते ही निकल जाते इधर उधर, जी जी तो उन्होंने असी अपनी श्रद्धा और अकीदत दे फुल भेट करते हैं। जी साड़ी अगली ईमेल मैक्सीको देश की सिनालोआ स्टेट तो वीर चरणजीत सिंह जी की है। ये लिखते हैं, वीर अमरजीत सिंह जी सत श्री अकाल, तुहानूं पहली वार लिख रहा हाँ, मैनूं तुहाडा प्रोग्राम बहुत वधिया लगता है। मैं तुहाडी अते टीवी 84 की लंबी उम्र की दुआ मंगदा हाँ, परमात्मा तुहानूं हमेशा चढ़दी कला रखे। मेरा एक सवाल है, जड़े मेरे वीर खंडे बाटे का अमृत छकते हैं वह जात पात तो रहत हो जाते हैं, पर बहुत वीर अपने नाम के नाल गिल संधु सोडी क्यों लिखते हैं, विस्तार नाल दसना। हाँ जी डॉक्टर साहब। वीर चरणजीत सिंह जी का बहुत धन्यवाद, सानू मैक्सीको चो ये पहली ईमेल आई है, सो जी मुबारक। साडा नेबरिंग देश है जी अमरीका, कैनेडा, मैक्सीको, ये नॉर्थ अमेरिका बनाते हैं। जी और सवाल भी उन्होंने बड़ा सिंपल पूछे, जी पर इन्ना सिंपल भी नहीं है। जी जी उन्होंने प्रोग्राम चंगा लगता है, वो सुनते हैं और जाहिर है भी जिदा का उन्होंने सवाल है वो बड़े फेथ अमृतधारी गुरसिख होणगे। जी सो जिहड़ा ब्रेक टाइम च मैं ये कमेंट कर रहा सी, मैं कहा जी ये ते जे ये क्या कि भी ये छज बनने जरूरी ने तो भी किन्ने ने साडे मगर पै जाने जी जी जिन्हां ने बन्ने हुए ने। जी मैं समझदा भी उन्हां दी गल बिल्कुल ठीक है। जी जदों असी गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं अपने पिता माता साहिब कौर माता वासी आनंदपुर दे हैं जी ते हमेशा लास्ट नेम जिहड़ा है अज भी जिहड़ा इन्हां दे ईवन वैसटर्न वर्ल्ड च भी ट्रेडिशन है वह तो उही हुंदा जिहड़ा उन्हां दे वडेरे दा जां दूजा लास्ट नेम हुंदा है। जी सो गुरु साहब ने तो सिंह दे उत्ते अपने पुत्र असी इसे लई हैं, पुत्र तो ता ही हो गया ना जे सिंह दा पुत्र ही सिंह हुंदा है, जी अगों भी सिंह तुरदा है। जी तो हुणे जिहड़े असी और ये भी पिछले मैं देखदा भी इस नूं हालांकि कईआं ने यह कहण दा यतन कीता है कि जी इत्थे फलाना हुंदा है सोशल सिक्योरिटी जां दूजे जिको नाम आ जांदे ने बोलना पैंदा है, इन्हां दे किन्ने सारे विलियम जॉन जॉर्ज और इन्हां दे भी उस किस्म दे ही जिहड़े नाँ ने जी वह भी लखां उन्हां दी नहीं मिस हुंदी सोशल सिक्योरिटी। जी जी फिर ये भी कहण दा यतन कीता जांदा जी ये वैसे नहीं सी पहला नहीं सी ये तां जदों अंग्रेज़ आए जी उदों शुरू होया। मैं कहा जी जिहड़ा यादगारां बणियां बेलजियम दे विच भी है दूसरे भी है जिथे सैकंड वर्ल्ड वॉर दे विच सिख फौजी जी शहीद होए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दे उत्ते जाके नाँ पढ़ लो सारे जी तुहानूं छोटे नाँ और सिंघ दे उत्ते 99.9% कि 100% ही जिहड़े कंधां दे उत्ते नाँ ने सिखां दे ओह सिंघ ने। सो उदों जे अंग्रेज़ां दे खाते च पाणा ते फौज तां अंग्रेज़ां ने भर्ती कीती, अंग्रेज़ां ने ना फौज दे विच कहा कि जी ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੰਨ ਲਓ ਛੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਗਵਾਚ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲ 'ਚ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਫਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਫਲਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੱਜ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਛੱਜ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤ ਗੋਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਗੋਤ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਦੰਗਾ ਦੰਗਾ ਹੀ ਇਨ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਲਾ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਕਨੋਟੇਸ਼ਨ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਾਈਟਰ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਚੜ੍ਹੇ ਤੁਰੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ ਜੀ। ਤੁਰੰਗ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨੀ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੱਤੇ ਪੈਰ ਲੜਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਚੜ੍ਹੇ ਤੁਰੰਗ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਹੀ ਮਚਾਉਣੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂਟਲੀ
ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਲਾਈਕ ਏ ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖੋ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਕਲ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਜੀ, ਇਹ ਟੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਵਰਤੇ ਜੀ। ਅਭੇਦ ਵਰਤਣਾ, ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਇਹ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾਤੇਦਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਇਸ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਇਸ ਵਲਗਣ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਾਤ ਦੇ ਵੀ ਕਈ 100 ਪਾਤ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਾਤ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਪਾਤ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚੋਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਨਿਕਲ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਕੋੜ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ, ਪੰਜ ਘੁੱਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ, ਪੰਜ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨਾਸ, ਕਿਰਤ ਨਾਸ, ਕਰਮ ਨਾਸ, ਵਰਣ ਨਾਸ, ਭਰਮ ਨਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਕਬ ਹੀ ਭਾਈ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਚਿਆਂ ਨੀਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਪਾਤ ਵਾਲੇ ਗੋਤ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਢਿਮਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁਵੀਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ। ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੀਰ ਭੈਣ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤੇ, ਜੋ ਦਿਸਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਮ ਨਿਮ ਲਾਗਾਂ ਪਾਏ ਜੀਉ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।